तो ऑल राइट दोस्तों, आ गया हमारे पास वीवो T3 5G। वैसे इस फोन का जो प्राइस रेंज है वो इंटरेस्टिंगली 20,000 के आसपास रहने वाला है, एंड दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि वीवो T3 जो है वो इस बजट रेंज में सबसे ज्यादा बैलेंस फोन लग रहा है। वैसे इंडिया का ये 20,000 बजट सेगमेंट वाला जो मार्केट है ना, वो काफी कॉम्पिटेटिव हो गया है। हम लोग अभी शुरुआत में ही इस सेगमेंट में IQ, रियलमी, रेडमी और पोको जैसी कंपनीज के एक से बढ़कर एक फोन देख रहे हैं, और सबने इस सेगमेंट में अपना मार्क छोड़ा है। और अब अगली बारी है वीवो की। दोस्तों वीवो T3 जो है ना, वो पिछले साल के वीवो T2 का सक्सेसर है, और अगर करेंटली देखा जाए तो वीवो T2 वन ऑफ द बेस्ट फोन है अंडर 20,000। तो दोस्तों क्या वीवो T3 उसी रास्ते में आगे जाएगा? वेल, आज हम इस वीडियो में इसी चीज को देखेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज मैं लेकर आया हूँ फुल डिटेल रिव्यू ऑफ वीवो T3 5G। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑलमोस्ट 80% लोग सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिजाइन दोस्तों, अगर लुक की बात करें तो वीवो के फोन्स लुक्स के लिए जाने जाते हैं, और बात अगर इसके डिजाइन की करें तो T3 का डिजाइन काफी यूनिक और स्टाइलिश है। प्लास्टिक बैक पैनल में 3D डिजाइन किया गया है, स्नोफ्लेक डिजाइन किया हुआ है जिसका टेक्सचर काफी प्रीमियम लुक देता है। 3D टेक्सचर है तो ये लाइटिंग के हिसाब से शेप्स बदलते हैं। बैक पैनल आपको रिफ्लेक्टिव सर्फेस देता है जो काफी स्टाइलिश और कूल लगता है देखने में। रेयर पैनल जो है वो मैट फिनिश के साथ है, तो फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह इतना ज्यादा दिखाई नहीं देंगे। कैमरा मॉड्यूल की बात करेंगे तो मॉडर्न पंच होल कैमरा कटआउट देखने मिल जाता है। दोस्तों ये फोन जो है वो बेसिकली कॉस्मिक ब्लू और क्रिस्टल फ्लेक, ये दो कलर ऑप्शंस में आता है। आपको फ्लैट डिजाइन देखने मिल जाएगा, जबकि कैमरा आइलैंड जो है वो बैक पैनल में इंटीग्रेटेड है। दोस्तों बात अगर इसके थिकनेस करेंगे तो वीवो T3 काफी स्लिम और लाइट वेट है। थिकनेस इसकी 7.95 mm है, और वेट जो है वो 188 ग्राम का है। तो इससे क्या होता है कि ये जो फोन है ना, उसको आप इजिली एक हाथ से ग्रिप करके कंफर्टेबली होल्ड और यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्शन की बात करें तो जैसे मैंने बताया, आपको प्लास्टिक बैक और फ्रेम मिल जाता है, जबकि फ्रंट में ग्लास प्रोटेक्शन है। इसके अलावा इसमें आपको IP54 की डस्ट एंड स्पैश रेजिस्टेंस भी मिल जाती है। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करेंगे तो आपको राइट साइड में पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाता है। बॉटम में USB Type-C का पोर्ट, सिम ट्रे और स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन मिलता है, जबकि ऊपर की तरफ नॉइस कैंसलिंग माइक मिल जाती है। तो ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज की बात करेंगे तो डिजाइन अच्छा है, एक बैलेंस और परफेक्टली फिट डिजाइन है। एक नॉर्मल यूजर को जो जो चाहिए इसमें सब मिलेगा। अब बात अगर इसके डिस्प्ले की करेंगे तो इसका डिस्प्ले काफी मस्त है, मतलब अगर आप मल्टीमीडिया यूज करते हैं तो ज्यादा आपको मजा आने वाला है। एब्सोल्युटली स्टनिंग डिस्प्ले है। 6.67 इंचेस का FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज के स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है, जो कि आपको हेल्प करता है YouTube और Netflix पर भी 4K HDR में वीडियोस देखने का। इसके बेजल जो है वो काफी स्लिम देखने मिलते हैं, 92% ऑलमोस्ट आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाएगा। दोस्तों ये जो T3 है ना, वो SGS लो लाइट ब्लू आई केयर सर्टिफाइड भी है, तो लो लाइट में भी आपको प्रोटेक्शन मिलता है। दोस्तों डिस्प्ले जो है इसका, दैट इज क्वाइट गुड। आपको वाइड फील्ड में व्यू मिलने वाला है, वाइब्रेंट कलर देखने वाले हैं। ऑडियो फ्रंट में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिलने वाला है विद हाई रिजोल्यूशन ऑडियो वायर्ड एंड वायरलेस सर्टिफिकेशन। 200% अल्ट्रा लार्ज वॉल्यूम बोर्ड मिल जाता है, और ऐसा नहीं है कि आप साउंड को उतना बढ़ाओगे तो ऑडियो बहुत लाउड या फटने जैसा सुनाई देगा। ऑडियो इज एक्चुअली गुड। डिस्टॉर्शन काफी मिनिमल है मैक्सिमम वॉल्यूम पर भी, तो वाइब्रेंट OLED पैनल, सॉलिड रिफ्रेश रेट, गुड एंड क्लियर स्पीकर्स, ये सब इस वीवो T3 फोन को सॉलिड बनाता है मल्टीमीडिया कंज्यूमर्स के लिए। मजा आएगा। ओके, मूव ऑन टू परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर स्टैंडपॉइंट से बात करें तो दोस्तों वीवो T3 जो है कम्स विद फनटच OS 14 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स। इसके साथ आपको 2 साल के मेजर अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाते हैं, तो अपडेट्स ज्यादा बेटर हो सकता था। इसके UI की बात करेंगे तो आपको ब्लॉटवेयर्स देखने मिल जाएंगे, थर्ड पार्टी एप्स, हॉट एप्स, हॉट गेम्स, ये सब देखने मिल जाते हैं। वैसे आप चाहे तो इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, बट स्टिल इट्स देयर। ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस काफी स्मूथ और हैसल फ्री रहने वाला है। आपको इसमें 8GB का LPDDR4X का रैम मिल जाता है, और स्टोरेज में 128GB इसका बेस वेरिएंट है, जबकि ऊपर वाला वेरिएंट जो है वो 256GB है। UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। चिपसेट के मामले में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 7200 4nm फैब्रिकेशन का चिपसेट, काफी पावरफुल चिपसेट है। टेस्टिंग वगैरह में स्कोर्स बहुत अच्छे आए हैं। इसका अंतुतु स्कोर की बात करेंगे तो वो 7,25,000 के आसपास गया हुआ है, तो इस प्राइस रेंज में ये काफी अच्छा स्कोर है। पावर को लेकर आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थ्रॉटल टेस्ट वगैरह भी किया गया है, और थ्रॉटल टेस्ट में काफी स्टेबिलिटी देखी गई है, तो काफी पावरफुल चिपसेट है। बेंचमार्क में अच्छे स्कोर्स भी आए हैं, और ये परफॉर्मेंस भी काफी स्मूथ देता है। एवरीडे टास्क को बिना लैग के स्मूथली हैंडल कर लेता है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो वहां भी आपको एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मिलने वाला है। हेवी गेम्स जैसे PUBG वगैरह जो है, उसको आप 90 FPS पर यानी कि मैक्सिमम सेटिंग्स पर खेल सकते हैं। प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखो तो परफॉर्मेंस जो है वो मोर देन सेटिस्फैक्टरी है। कूलिंग सिस्टम जो है पहले से बेटर हो गया है, तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस दोनों ही काफी सही है अकॉर्डिंग टू द प्राइस पॉइंट। कुछ और फीचर्स की बात करें तो इसमें मिलता है आपको इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, वैसे सारे सेंसर्स अवेलेबल है, एंड दैट वर्क्स रियली वेल।
कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको मिलता है 8 5G बैंड का सपोर्ट, वाईफाई 5, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट है, ड्यूल 4G वोल्ट मिलता है, NFC नहीं है, IR ब्लस्टर नहीं है। मूव ऑन टू इट्स कैमरा। दोस्तों वीवो के जो फोन्स होते हैं ना वो स्पेशली कैमरा सेंट्रिक होते हैं, तभी तो ये ऑफलाइन मार्केट में इतना सेल होते हैं। लोग आते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं और फोन बाय कर लेते हैं। तो ये वाला फोन जो है वीवो T3, उसका भी कैमरा काफी अच्छा है। दोस्तों कैमरा सेटअप के बारे में बात करेंगे तो आपको इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलेगा। आई डोंट नो व्हाई उसको निकाल दिया जा रहा है। तो आपको भले 3 कैमरा दिखते हैं पर एक्चुअली में 2 कैमरा है इसके अंदर। आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX882 सेंसर मेन कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का वोके कैमरा देखने मिल जाता है। और तीसरा जो है वो फ्लिकर सेंसर है। फ्रंट में देखें तो 16 मेगापिक्सल का सेंटर पंच होल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है कैमरा में। अगर कैमरा की परफॉर्मेंस की बात करें तो प्राइमरी कैमरा डे लाइट में काफी एक्सीलेंट इमेजेस लेता है, डिटेलिंग काफी अच्छे तरीके से कैप्चर करता है और एक्यूरेट कलर्स अलाउ करता है। फोटोज के कलर जो है वो काफी पंची होते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग साइड ज्यादा मिलेगा और कभी कभी ओवर शार्पनिंग भी दिखाई देती है, लेकिन डायनेमिक रेंज सुपर्ब है। दोस्तों वीवो X100 प्रो की तरह इसमें भी आपको कुछ फिल्टर्स मिलते हैं जिससे कि आप इमेजेस वाइब्रेंट टेक्सचर या नेचुरल में चेंज कर सकते हैं। नाइट मोड में जो आपको मेन कैमरा है वो काफी अमेजिंग शॉट्स लेता है, आपको नॉइजेस इतने ज्यादा नहीं दिखाई देंगे और इमेजेस ब्राइटन रहेगी। अल्ट्रा वाइड भी डे लाइट में डिसेंट शॉट्स लेते हैं। डायनेमिक रेंज, डिटेलिंग, कॉन्ट्रास्टिंग सब सही है। फीचर्स में भी आपको ऑलमोस्ट सारे कैमरा फीचर्स मिल जाते हैं, तो अगर आप चाहे तो इसे कैमरा के लिए भी चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि अंडर 20,000 ये काफी सही कैमरा सेंट्रिक फोन हो जाता है। वीडियोग्राफी की बात करें तो आप 4K at 30 FPS पर रियर कैमरा से शूट कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा से 1080p at 30 FPS पर शूट कर सकते हैं। वीडियोग्राफी में भी आपको ड्यूल वीडियो फीचर्स मिल जाता है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो कैमरा की तो इसका प्राइमरी कैमरा काफी अच्छा है, अलग अलग लाइटनिंग कंडीशंस में फोटोज काफी अच्छे आते हैं। यू कैन चेक इट आउट। ओके, तो अब चलते हैं बैटरी बैकअप की तरफ। दोस्तों वीवो T3 में आपको मिलता है 5000mAh की ह्यूज बैटरी बैकअप, 4nm का चिपसेट है, तो मतलब बैटरी काफी लॉन्ग लास्ट करती है। आप अगर नॉर्मल यूजर है तो आराम से सिंगल चार्ज में 1-1.5 दिन बैटरी सर्वाइव कर लेगी, विच इज गुड। चार्जिंग में आपको 44W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। दोस्तों अब आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। तो वीवो T3 अपने सॉलिड परफॉर्मेंस, जबरदस्त कैमरा सिस्टम, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी और एक अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ काफी इंप्रेस करता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी चिपसेट इंस्टॉल करता है कि आपका मल्टीटास्किंग और गेमिंग स्मूथ रहे। इसके अलावा इसका वाइब्रेंट डिस्प्ले इज लाइक द चेरी ऑन टॉप। आपको थोड़ा बहुत जगह में कुछ कुछ चीजें थोड़े कम लग सकते हैं, जैसे अपडेट्स हो गया, चार्जर थोड़ा बेटर होना चाहिए और कैमरा सेटअप्स में अल्ट्रा वाइड होता तो बेटर होता। बट अगर ओवरऑल बोलूं तो वीवो T3 एक ग्रेट वैल्यू ऑफर करता है बजट सेगमेंट वाले कंज्यूमर्स को, जो कि टाइट बजट के साथ एक ऑलराउंडर वाला फोन अच्छी बैटरी के साथ खरीदना चाहते हैं, वो भी तब जब इसका प्राइस रेंज 20,000 के आसपास है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा दोस्तों मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, यू कैन ज्वाइन इट। ऑलराइट देन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।